24 ठाणा चर्चा में सबसे पहले अपन उन तीन गाथाओं के माध्यम से मंगलाचरण करते हैं। गईंदिये चकाए जोगे बे कसाए नाणिय संयम दंसन लिस्सा भविया सम्मत सन्याहारे गुण जीवा पज्जति पाणा सन्नाए मगणा होय उभो गोविय कमसो विषम तो परुवणा भणिया छाणा बिय पच्चा बिय जाइय कुल कोड़ी संजुया सवे गहना तिजैन भणिया कमेण चौबीस ठाणानी। कल अपन ने चार मार्गणाओं के बारे में समझा था, जिसमें गति मार्गणा में गुणस्थानों की अपेक्षा से देखें तो देव गति और नरक गति में चार गुणस्थान होते हैं। तिरंज गति में पांचवा गुणस्थान भी होता है ना, एक से पांच तक होते हैं, और मनुष्यों में एक से चौदह होते हैं। इंद्रिय मार्गणा में एक इंद्री से चार इंद्री तक मात्र एक ही गुणस्थान मिथ्यात् गुणस्थान होता है, और पंचेंद्री में एक से चौदह होते हैं। काय मार्गणा में जहाँ पांच जो स्थावर कायिक हैं उनमें समय पहला ही गुणस्थान होता है, और जो त्रस कायिक है उसमें एक से चौदह होते हैं। फिर योग मार्गणा जिसके 15 भेद हैं, तो जहाँ मनोयोग वचन योग और कायोग तीन होते हैं, तो उसमें सत्य मनोयोग असत्य मनोयोग उभय मनयोग और अनुभय मनयोग, तो उसमें सत्य और अनुभय में एक से 13वां गुणस्थान तक रहता है, और असत्य और उभय में एक से 12 होता है। फिर वचन योग में भी इसी प्रकार से सत्य वचन योग और अनुभय वचन योग में एक से 13 और असत्य वचन योग और उभय वचन योग में एक से 12। फिर काय मार्गणा में 7 भेद होते हैं, जिसमें सबसे पहला कारमण काय योग है। इसमें जीव का मरण जिन जिन गुणस्थान में होता है तो वो पहला दूसरा चौथा, और 13वां गुणस्थान जो होता है वो केवली समुद्घात की अपेक्षा से वहाँ पर कारमण का योग जब प्रतर और लोक पूर्ण होता है तब उस समय में होता है। फिर औदारिक मिश्र का योग में जहाँ जीव जब जन्म लेता है तो उसमें पहला दूसरा चौथा गुणस्थान, और जिस समय में दंड के बाद में कपाट होता है उस समय में औदारिक मिश्र योग होता है, इसलिए वो 13वें गुणस्थान में भी होता है। फिर औदारिक का योग पहले गुणस्थान से 13वें गुणस्थान तक, जो भी त्रियंश और मनुष्य उनका औदारिक का योग होता है। फिर वैक्रियक मिश्र का योग जब जीव की शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती तब तक देवों और नारकियों के जन्म लेने के बाद उनका वैक्रियक मिश्र का योग होता है, तो इसमें भी पहला दूसरा और चौथा गुणस्थान, क्योंकि तीसरे गुणस्थान में मरण नहीं होता। फिर वैक्रियक का योग पहले से लेकर 4 तक, ये देव और नारकियों के पूरे जीवन भर चलता रहता है। फिर आहारक मिश्र योग और आहारक का योग ये 6 गुणस्थान में ही होता है, तो आहारक मिश्र का योग जब वो शरीर का निर्माण होता है जब तक शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती तब तक, और उसके बाद में फिर आहारक का योग होता है। अब इसके बाद में अपन वेद मार्गणा को देखते हैं, जहाँ वेद्यते इति वेद, जिसका वेदन होता है वो वेद मार्गणा कहलाती है, जिसका अनुभव में आता है। तो वेद की अपेक्षा से जब परिचय करते हैं तो वो वेद मार्गणा है। वेद में मुख्यतः से 3 भेद होते हैं, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। इनमें गुणस्थान यदि अपन लगाएं तो ये यदि भाव वेद की अपेक्षा से रहते हैं तो ये पहले से 9 गुणस्थान तक तीनों वेद होते हैं। अब तीनों वेद कैसे, कि द्रव्य से तो पुरुष वेद है, लेकिन भाव वेद से ये तीनों वेद यदि रहेंगे तो वो 9 गुणस्थान तक जा सकते हैं। अब इसमें कैसा होता है कि जहाँ कर्म भूमि होती है वहाँ पर वेद वैषम्य भी होता है। वेद वैषम्य क्या कहलाता है, यानी शरीर जो है जहाँ द्रव्य वेद जो है, द्रव्य वेद तो पुरुष का है लेकिन भाव वेद में अलग भी हो सकता है, यानी भाव वेद की अपेक्षा से द्रव्य शरीर के बाद में द्रव्य वेद से पुरुष है लेकिन भाव वेद से वो पुरुष भी हो सकता है, स्त्री भी हो सकता है, नपुंसक भी हो सकता है। इसी प्रकार से स्त्री में भी तीनों जो हैं वैषम्य हो सकते हैं। देखने में भी आता है जहाँ झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जिन्होंने कैसी जो है खूब लड़ी मर्दानी, वह तो
झांसी वाली रानी थी, तो उन्होंने जो है मतलब पुरुषों से बढ़कर के कार्य किया, तो उनके ऐसे कार्यों को देख करके कि उनका जो है वहाँ पर भाव भी जो है पुरुष का, द्रव्य से भले ही शरीर स्त्री का है लेकिन इस प्रकार से कई जो है पुरुषों में भी देखते हैं जिनको जो है आभूषण पहनने की, कान छिदाने की, कहीं जो है भोजन बनाने में रुचि होती, कहीं नृत्य में रुचि होती है, कभी कभी बाल भी बढ़ा लेते हैं, लड़के लोग भी बाल बढ़ा लेते हैं, व्यंग भी आते हैं फिर उसमें कि क्यों बाल बढ़ाते हो, कहें इट्स फैशन, आजकल फैशन है। अरे कहें तुम्हारे फैशन के चक्कर में घर में लड़की वाले देखने आए थे, तुम्हारी बहन की जगह तुम्हें पसंद करके चले गए तो ऐसी स्थिति बनती है, तो जो है उसके माध्यम से, उनकी रुचि के माध्यम से जो वहाँ पर वेद वैषम उसमें अपन थोड़ा बहुत समझ सकते हैं, एग्जैक्ट तो नहीं कह सकते लेकिन फिर भी इससे अनुमान लगा सकते हैं। तो भाव वेद जो होता है वो तीन प्रकार का, और द्रव्य वेद की अपेक्षा से यदि स्त्री और नपुंसक हैं तो वो पांचवें गुणस्थान के ऊपर नहीं जा सकते, लेकिन यदि द्रव्य से पुरुष हैं तो भाव वेद की अपेक्षा से तीनों जो हैं वहाँ पर एक से नवे गुणस्थान तक हो सकते हैं। नवे गुणस्थान के छठे भाग के बाद में फिर वेद जो है समाप्त हो जाता है, वेदातीत अवस्था हो जाती है, जैसे कषायें क्रोधमान माया धीरे धीरे जाती रहती हैं ऐसे वेद भी वहाँ पर छूट जाता है, उसके बाद में वेदातीत अवस्था होती है। तो इस प्रकार से ये जहाँ अपन देखें तो देव नारकी और भोग भूमि में जो मनुष्य त्रियंश होते हैं उनमें जैसा द्रव्य वेद होता है वैसा ही भाव वेद होता है, उनमें वहाँ पर वैषम्य नहीं होता। और जो एक से लेकर के चार इंद्री तक के जीव होते हैं वो नियम से, चाहे उनका द्रव्य वेद हो और भाव वेद हो, वो सारे के सारे नपुंसक ही होते हैं। तो इस प्रकार से ये वेद मार्गणा यहाँ पर अपन ने समझी। अब इसके बाद में अगली मार्गणा है कषाय मार्गणा। कषाय किसे कहते हैं, जो आत्मा के गुणों का घात करती है उसको कषाय कहते हैं। तो इसके कितने भेद होते हैं, 25 भेद होते हैं, 16 तो कषाय के और 9 कषाय के। तो इसमें जो अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ होता है उसके लिए जो आत्मा के सम्यक और चारित्र गुणों का घात करती है उसको अनंतानुबंधी कषाय कहते हैं। तो इसका गुणस्थान कौन सा होता है, पहला और दूसरा, क्योंकि अनंतानुबंधी के उदय में ही दूसरा गुणस्थान बनता है। जब ऊपर सम्यक दर्शन से कोई नीचे आता है दूसरे गुणस्थान में तो वह अनंतानुबंधी के उदय से ही बनता है। तो इस अपेक्षा से पहला और दूसरे गुणस्थान में अनंतानुबंधी का। फिर अप्रत्याख्याना वर्ण जो दूसरी कसाई की चौकड़ी है, इसमें भी चारों क्रोधमान मायालु होते हैं, जो इसका कार्य क्या है, जो कषाय एक देश चारित्र का घात करती है, यानी इसके उदय में अणुव्रतों को धारण नहीं कर सकते। तो इसका जो है अवस्थान पहले से चौथे गुणस्थान तक रहता है, यानी सम्यक दर्शन के साथ में ये कषाय का उदय रहेगा। अनंतानुबंधी का भाव होने पर ही सम्यक दर्शन होता है, तो ये इसका उदय वहाँ पर रहता है। फिर तीसरी कषाय की चौकड़ी कौन सी है, प्रत्याख्यानावरण। प्रत्याख्यानावरण कषाय में वहाँ पर जो सकल संयम का घात करती है, तो इसका उदय पांचवें गुणस्थान तक रहता है। तो इसका पहले से पांचवें गुणस्थान तक इसका उदय होता है। फिर संजलन क्रोधमान माया लोभ, इसका क्या कार्य है, ये यथाख्यात संयम का घात करती है, यानी इस यथाख्यात संयम क्या कहलाता है, कषाय से रहित जो संयम होता है वो ये उत्पन्न नहीं होने देती। तो इसका जो है तीन जो है क्रोधमान माया लोभ, इनका अवस्थान रहेगा नवे गुणस्थान तक, और जो लोभ है वो दसवें गुणस्थान तक जाती है। दसवें गुणस्थान का नाम सूक्ष्म सांप्राय है, तो वहाँ पर सूक्ष्म लोभ अकेला रह जाता है, तो वो इस यानी शुरुआत इसकी एक से लेकर 10 तक होगी तो वो लोभ तक रहेगा, और तीन कषाय जो रहेंगी वो नवे गुणस्थान तक, तो 1 से 9 या 1 से 10 इस प्रकार से। अब इसके बाद में 9 कषाय, तो 9 कषाय क्या कहलाती हैं, ईषत कषाय भी बोलते हैं इनको, जो कषाय का वेदन कराती हैं। ये कषाय जो 9 कषाय रहती हैं वो कषाय के आश्रय से कार्य करती हैं। तो इनमें सबसे पहली है हास्य, जिसके उदय से हंसी आए वो हास्य 9 कषाय होती है। तो इसका जो है गुणस्थान कहाँ तक है, 1 से 8 तक। फिर रति, जिसके कारण में द्रव्य क्षेत्रकाल भाव के प्रति जो हैं जो प्रीति उत्पन्न होती है वो रति कषाय कहलाती है, तो ये भी 1 से 8 तक होती है। फिर इसके बाद में अरति, अरति जो होती है इसके विपरीत होती है, यानी अच्छा नहीं लगना, द्रव्य क्षेत्रकाल भाव अच्छे नहीं लगते। एक दिन हमने सुनाया था छोटे बच्चे माँ के साथ में आते हैं फिर थोड़ी देर में कहते हैं घर चलो, तो वो जो है उनको अच्छा नहीं लगता, तो वो अरति का जो है अपन
भाव समझ सकते हैं। तो ये भी एक से आठवें गुण स्थान तक रहती है। फिर शोक, जिसके उदय से जब वियोगज वियोग से उत्पन्न होने वाला जो दुख होता है वो शोक कहलाता है, ये भी आठवें गुण स्थान तक। भय, जिसके कारण में भय उत्पन्न होता है वो भय नौकषाय कहलाती है, ये भी आठवें गुण स्थान तक। जुगुप्सा, जिसके उदय से ग्लानि उत्पन्न होती है, या इसकी जो परिभाषा आचार्य पूज्यपाद महाराज ने दी है, जिसके उदय से अपने दोषों को तो ढकता है और आत्मदोष संवरण और पर दोष आविष्करणम, दूसरों के दोषों को बताने के भाव होते हैं, वो ग्लानि नौकषाय कहलाती है। इसका भी जो है अवस्थान एक से आठ तक होता है। तो ये छह नौकषाएँ हैं, इन ये सारी जो हैं आठवें गुण स्थान तक होती हैं। इसके बाद में तीन वेद होते हैं जिनके बारे में अपन अभी देख चुके हैं। तो ये स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ये जो हैं भाव वेद की अपेक्षा से नवे गुण स्थान तक रहते हैं। अब यहाँ जहाँ अपन ने देखा अनंतानुबंधी का जहाँ पर उदय है, वहाँ पर अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजलन सब उदय में रहेंगी। यानी एक बड़ी कषाय उदय में है तो उस समय में उसकी छोटी कषाय, जैसे क्रोध का उदय चल रहा है तो अनंतानुबंधी क्रोध है, तो अनंतानुबंधी क्रोध के साथ में अप्रत्याख्यान क्रोध भी, प्रत्याख्यान क्रोध भी, संजलन क्रोध सब रहेंगे उदय में। तो जब यदि अनंतानुबंधी चली गई तो फिर अप्रत्याख्यान रहेगा तो अप्रत्याख्यान के नीचे वाले सारे रहेंगे, फिर अप्रत्याख्यान चला गया तो प्रत्याख्यान के साथ में संजलन भी रहेगा, प्रत्याख्यान भी चला गया तो संजलन रहेगा। तो इस प्रकार से इनकी स्थिति होती है। तो जहाँ बड़ी कषाय है वहाँ पर छोटी कषायों का उदय साथ में चलता है। अब ये बात अलग है कि उसको जो है एक साइंटिस्ट हुए हैं जिन्होंने अपने घर में जो पालते थे श्वान को, डॉग हाउस बनाया था उन्होंने, तो उसमें उन्होंने दो दरवाजे बनाए, बड़े के लिए बड़ा दरवाज़ा, छोटे के लिए छोटा दरवाज़ा। तो इतना ही समझ पाए कि बड़े दरवाजे से छोटा भी निकल जाएगा, तो उन्होंने वहाँ पर बड़े के लिए बड़ा और छोटे के लिए छोटा दरवाज़ा, एक ही घर में दो दरवाजे कि छोटे के लिए निकलने के लिए छोटा दरवाज़ा होना चाहिए, जबकि छोटा भी बड़े दरवाजे से निकल सकता है। तो ऐसी जो है कई कई बार जो है दृष्टि नहीं जाती। तो यहाँ पर जो है एक कषाय यदि अनंतानुबंधी है तो अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजलन सबका उदय उस समय में एक साथ में रहता है। अब इसी के साथ साथ में यहाँ पर हास्य और रति, ये यदि उदय में है तो उस समय में अरति और शोक का उदय नहीं होगा, यानी इन दोनों जोड़ों में से एक रहेगा। यदि अरति और शोक का यदि उदय चल रहा है तो हास्य और रति नहीं रहेंगी। क्यों, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जिस समय में व्यक्ति यदि खुश है तो उस समय में वहाँ पर जो है तने अरति का भाव नहीं रहेगा, और जिस समय में यदि दुखी है तो उस समय में, एक घर में ऐसा हो सकता है कि एक घर में जैसे बहुत सारे लोग हैं तो एक के लिए वहाँ पर जो है हास्य और रति का उदय चल रहा हो और एक के लिए अरति और शोक का उदय चल रहा हो। होता कि नहीं होता ऐसा कि जैसे कोई परिवार है उसमें जिठानी के यहाँ तो जो है कोई अच्छी वहाँ से मायके से अच्छा समाचार आ गया तो वो प्रसन्न है, और देवरानी के लिए कोई गमी का समाचार आ गया तो वो दुखी है। तो एक घर में ऐसा हो सकता है। जब हनुमान के लिए दूत बनाने के लिए रामचंद्र जी ने दूत भेजा था तो उस समय में उन्होंने वहाँ पर एक ही घर में एक जगह पर जो है उत्सव मन रहा है और एक ही घर में एक तरह रुदन हो रहा है। हुआ क्या था उस समय में कि जब पता पड़ा उनके लिए कि खरदूषण का वध हो गया है, तो खरदूषण की जो पुत्री थी उसका हनुमान के साथ विवाह हुआ है अनंकुशमा, तो वो वहाँ पर रुदन करने लगती अपने पिता के निधन पर। और जो सुग्रीव की बेटी से भी विवाह हुआ है तो वो सुग्रीव की बेटी जो है, सुग्रीव का संकट दूर हो गया है तो उस समय में उसकी बेटी प्रसन्न हो जाती है। तो एक ही घर में जहाँ पर एक लोग हर्षित हैं और एक जगह पर रुदन चल रहा है, लेकिन एक ही व्यक्ति में दोनों चीज़ें नहीं होती। तो इसलिए हास्य रति रहेगा तो अरति शोक नहीं रहेगा, और भय जुगुप्सा दोनों अवस्था में हो सकता है, यानी हास्य रति के साथ में भी हो सकता है, रति शोक के साथ में भी हो सकता है। और ऐसी भी स्थिति आती है कि जहाँ पर भय और जुगुप्सा नहीं होता, ऊपर ऊपर के गुणस्थानों में इस प्रकार की स्थिति बनती है। तो इस प्रकार से ये कषाय मार्गणा को अपन ने गुणस्थानों के साथ में समझा। समझ में आ रहा है ना कौन कौन से गुणस्थान में है? यदि अपन उसको जो है थोड़ा सा ध्यान रखें तो हर चीज़ में एक उसके लिए अपन समझते जाएं तो फिर अपने लिए कठिन नहीं होगा। अब इसके बाद में आ रही है ज्ञान मार्गणा। ज्ञान जो कि जिसके माध्यम से अपन जानते हैं वो ज्ञान कहलाता है। तो ज्ञान की अपेक्षा से जब जीव का परिचय करते हैं तो वो ज्ञान मार्गणा कहलाती है। तो इसमें इसके आठ भेद होते हैं, जहाँ ज्ञानोपयोग को आठ भेद वाला बतलाते हैं। तो उसमें मिथ्या ज्ञान भी हैं और सम्यक ज्ञान भी हैं। तो सबसे पहले कुमति ज्ञान, कुमति ज्ञान यानी जब तक सम्यक तो नहीं होता
तो सम्यक के ना होने पर जो मति ज्ञान, क्योंकि मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान तो सब जीवों में रहते हैं, तो जिसके पास में सम्यक नहीं होता उसका जो ज्ञान मति ज्ञान वो कुमति ज्ञान कहलाता है। अब इसमें जैसे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जब तक 8 वर्ष के नहीं होते तब तक तो सम्यक होता नहीं है। अब उनकी अपन परीक्षा करना चाहें कि इनके पास में संस्कारों के बस से जो ज्ञान है उसमें कुमति ज्ञान का जो है वहाँ पर संस्कार का कैसा प्रभाव है, तो उसके लिए आगम में कि यदि उनकी रुचि हिंसादि के कार्यों में रहती है तो उसके माध्यम से अपन उनके संस्कारों को समझ सकते हैं। जैसे एक जो बच्चा था उसकी आदत थी वो छोटे छोटे जीवों को कुचल देता था, तो उसकी माँ ने उसको समझाया कि तुम ये कार्य करते हो, जैसे जब तुम्हारी कोई पिटाई कर देता है तुम रोते हुए आते हो तो हमें दुख होता है, ऐसे ही उन जीवों को तुम मार देते हो उसकी उनकी माँ को दुख होता होगा। समझाने के लिए उसको समझाया। अब वो अगले दिन आकर के कहता है माँ उसकी माँ को दुख नहीं होगा, तो कह ले क्यों नहीं होगा, कह ले आज मैंने उसकी माँ को भी मार दिया, कोई बड़े कीड़े को मार दिया तो उसमें भी जो है वो, तो ऐसे जो है संस्कार यानी ये जो है पूर्व भव के संस्कार ऐसे जो हैं हिंसा आदि के, इसको सिखाना नहीं पड़ता। दया करुणा तो सिखानी पड़ती है लेकिन हिंसा आदि सिखाने के लिए कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। तो जहाँ यदि जैसे बच्चे छोटे छोटे बच्चे गुलेल आदि यहाँ पिस्टल आदि छोटे छोटे उनमें ज़्यादा रुचि है तो वो जो है कुमति ज्ञान का प्रतीक कहलाता है। तो इसमें आगम में वर्णन आया है कि जो विष यंत्र कूड़ पिंजरे या बंधन आदि में जो बिना उपदेश की जिनकी प्रवृत्ति होती है वो कुमति ज्ञान कहलाता है। जैसे जो त्रियंच गति में जो जीव होते हैं उनमें वहाँ पर जो जिनके पास में मन नहीं है वो जो है उनका कार्य अपने जीवन को चलाने के लिए इसी प्रकार चलता है। एक छोटा सा जीव होता है जो छोटा सा जो है गड्ढा बना करके रेत आदि में रहता है, मिट्टी आदि होती है वहाँ पर होता है। हम लोग अक्सर जाते रहते हैं जंगल वगैरह तो हम लोगों को देखने में आता है, तो उसमें वो छोटा सा जो है गड्ढा बना करके उसके नीचे बैठा रहता है और वो अपनी कुछ वायु आदि छोड़ करके और वो गड्ढा जैसा बिल्कुल बिल्कुल ऐसा अंदर ढाल जैसी बन जाती है, उसमें कोई भी कीड़ा आता है फंस जाता है नीचे अंदर चला जाता, नीचे बैठा रहता है, उसको पकड़ने के लिए वो इस प्रकार का जो है एक जाल जैसा बना करके रहता है। तो ऐसे कार्य जो है इनके जहाँ पर जो जितने भी जो छोटे छोटे जीव हैं मकड़ी आदि सारे, तो ये इनके जो है सब कुमति ज्ञान, क्योंकि उसके माध्यम से वो ऐसा ही कार्य करते रहते हैं। तो वो हो गया कुमति ज्ञान। और जहाँ मति ज्ञान होता है उसी के साथ साथ में शुद्ध ज्ञान भी होता है। मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान दोनों की आपस में जो है जुड़ी रहती है, क्योंकि मति ज्ञान के बाद में ही उसकी जो है आगे जो विचार किया जाता है वो शुद्ध ज्ञान कहलाता है। अब जो विचार जो होता है वो मन के साथ में होता है, लेकिन जिनके पास में मन नहीं है लेकिन फिर भी उनको जीवन चलाने के लिए इतना तो जो है अनुभूत रहता है, उसके माध्यम से जैसे चींटी है आगे बढ़ी उसको कीचड़ जो दिखाई दिया अपने उसे टच करके उसको समझ में आ गया तो वो वापस लौट जाती है, तो वो जहाँ टच हुआ उसको वो उसका कुमति ज्ञान है, लेकिन उसके बाद में कि ये हमारे लिए हितकारी है वो वापस लौट गया तो वो उसके लिए वो श्रुत ज्ञान कहलाता है, कुश्रुत ज्ञान कहलाता है। फिर इसी प्रकार से जो कुअवधि ज्ञान होता है तो सम्यक्त के अभाव में जो अवधि ज्ञान होता है उसको कुअवधि ज्ञान कहते हैं। वैसे जो है इसके लिए विभंग ज्ञान आगम में संज्ञा मिलती है, लेकिन कुअवधि ज्ञान भी जो है लोग बोलते रहते हैं, लेकिन व्याकरण से ये शब्द निष्पादित नहीं होता, फिर भी चलता है इसलिए इसका प्रयोग करते रहते हैं। अब इसके बाद में 5 सम्यक ज्ञान होते हैं, तो उसमें मति ज्ञान, तो मति ज्ञान जो 5 इंद्रिय और मन के द्वारा होता है उसे मति ज्ञान कहते हैं। फिर शुद्ध ज्ञान, तो जैसे मति ज्ञान के द्वारा जाने हुए पदार्थ को जो विशेष जानता है उसे शुद्ध ज्ञान कहते हैं। इसके 2 भेद होते हैं, एक होता है अक्षरात्मक और एक होता है अनक्षरात्मक। अक्षरात्मक क्या, जैसे अपन ने सुना कि जीव अस्ति, जीव है, तो जीव है तो फिर जीव कैसा होता है उसके बारे में अपने आगे विचार किया, वो हो गया अक्षरात्मक शुद्ध ज्ञान। और ठंडी ठंडी हवा लगी तो उस समय में ठंडी हवा जो है सर्दी हो रही है तो हमारे लिए नुकसान करेगी, ऐसा जो आगे चिंतन चला तो वो वहाँ पर अनक्षरात्मक शुद्ध ज्ञान है, तो वहाँ पर उसके लिए कोई शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है इसलिए उसको अनक्षरात्मक शुद्ध ज्ञान कहते हैं। तो ऐसे उसके 2 भेद होते हैं। फिर अवधि ज्ञान, तो अवधि ज्ञान की परिभाषा जो कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा के साथ में रूपी पदार्थों को अपनी इंद्रिय आदि की सहायता के बिना स्पष्ट जानता है तो वो प्रत्यक्ष ज्ञान अवधि ज्ञान कहलाता है, आत्मा से सीधा जानने वाला ये अवधि ज्ञान होता है। फिर इसके बाद में मनःपर्य ज्ञान,
इसमें भी आप लोग जानते हैं कि जो भी प्रत्यक्ष ज्ञान है और दूसरे के मन में स्थित पदार्थों को जानने के लिए, तो ईहा उत्पन्न होती है कि सामने वाला क्या जानता है, सामने वाला क्या सोच रहा है। अब इसके बाद में केवल ज्ञान, इसकी भी आप लोग परिभाषा जानते हैं कि सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, सभी द्रव्यों की सभी पर्यायों को जानने वाला जो स्पष्ट जानता है वो केवल ज्ञान होता है। अब इनके अपन गुण स्थान लगाएं तो कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान और कुअवधि ज्ञान, ये केवल पहले गुण स्थान में रहेंगे, यानी मिथ्यात् गुण स्थान में ही रहेंगे। फिर इसके बाद में यदि अपन इनको उस अपेक्षा से देखें कि जब अनंतानुबंधी का भी उदय रहता है, तो वहाँ पर जब अनंतानुबंधी भी है, अनंतानुबंधी को भी सम्यक दर्शन का चोर कहा है, तो इस अपेक्षा से दूसरे गुणस्थान में भी इनका अवस्थान रहेगा। तीसरे गुणस्थान में क्या होगा, तीसरे गुणस्थान में मिश्र ज्ञान होते हैं, तो वहाँ पर तीसरे गुणस्थान में जब भी लगाएंगे अपन मिश्र ज्ञान, यानी समीचीन ज्ञान भी रहेंगे और जो है यानी मिथ्या ज्ञान भी रहेंगे। तो फिर जहाँ समीचीन ज्ञान के लिए लगाएं अपन, तो वो लगेंगे चौथे गुणस्थान से। तो चौथे गुणस्थान में क्या रहेगा, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, ये चौथे गुणस्थान से कहाँ तक रहेंगे, बारहवें गुणस्थान तक। जब तक केवल ज्ञान नहीं होता तब तक जो है वो यानी रहेंगे, क्योंकि जब केवल ज्ञान हो जाता है तो सारे छह उपशम ज्ञान समाप्त हो जाते हैं। तो चार से बारह इसका अवस्थान रहेगा। अब मनःपर्य ज्ञान केवल मुनियों को होता है, तो मुनियों के लिए मनःपर्य ज्ञान होता है। मनःपर्य ज्ञान की उत्पत्ति जो है अप्रमाद अवस्था में होती है, लेकिन उसका प्रयोग प्रमाद अवस्था में होता है। तो उत्पत्ति जो है अप्रमाद में होगी, लेकिन प्रयोग प्रमाद के साथ होगा, इसलिए वो छः से लेकर के बारहवें गुणस्थान तक रहेगा। और केवल ज्ञान जो तेरहवें और चौदहवें गुणस्थान, केवल दो गुणस्थान में, सिद्धों में भी बना रहता है, लेकिन यहाँ पर अपन चूंकि चौदह गुणस्थान तक लगा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर वो गुणस्थान की अपेक्षा से तेरह और चौदह में होता है। तो ये हो गया ज्ञान मार्गणा। अब इसके बाद में अगली मार्गणा आ रही है संयम मार्गणा। संयम मार्गणा में जहाँ पर परिभाषा क्या आती है कि इंद्रियों के विषय और प्राणियों के विषय में जो अशुभ प्रवृत्ति होती है उसका त्याग करना संयम कहलाता है। तो जब संयम के माध्यम से अपन जीवों का परिचय करते हैं तो वो संयम मार्गणा हो जाती है। तो इसमें सबसे पहले असंयम कहाँ तक रहता है, एक से चार गुणस्थान में असंयम रहता है। तो ये जहाँ पर संयमा संयम या संयम का अंश भी ना हो उसको असंयम कहते हैं। फिर पांचवां गुणस्थान का नाम है संयमा संयम, इसमें संयम भी है और असंयम भी है। जहाँ पर एक देश त्याग होता है, अणुव्रतों को धारण करते हैं, तो वो उसको संयमा संयम कहते हैं। तो इसका केवल पांचवा गुणस्थान होता है। फिर सामायिक चारित्र, तो जहाँ संपूर्ण सावध्य यानी सारी हिंसा का त्याग हो जाता है वो सामायिक चारित्र कहलाता है। तो इसका गुणस्थान कहाँ से कहाँ तक होता है, छः से नौ तक, छः से नौ तक सामायिक चारित्र होता है। फिर इसके बाद में छेदोपस्थापना, जहाँ प्रमाद के निमित्त से कोई दोष लगते हैं और उनको प्रतिक्रमण आदि के द्वारा दूर करके पुनः जो है अपने आप को स्थापित करना पूर्वावस्था में, उसको छेदोपस्थापना चारित्र कहते हैं। तो इसका गुणस्थान भी सामायिक के समान ही चलता है, यानी सामायिक और छेदोपस्थापना हमेशा एक साथ में रहेंगे। तो ये कहाँ से कहाँ तक, छः से लेकर नौ तक। फिर परिहार विशुद्धि, परिहार विशुद्धि जो कि प्राणी वध से निवृत्ति को परिहार कहते हैं, और इससे युक्त जो शुद्धि होती है उससे युक्त संयत को परिहार विशुद्धि संयत कहते हैं। तो इसमें इनके द्वारा किसी भी जीव का घात नहीं होता, इसलिए ये प्रतिदिन विहार करते हैं, इनके लिए एक जगह पर ठहरने के लिए कोई आवश्यकता नहीं, बरसात में भी ये विहार कर सकते हैं, और तीनों संध्या काल में विहार नहीं करते, यानी तीनों संध्या काल में सामायिक जो है इसके माध्यम से निश्चित होता है। कई बार ऐसा भी जो है व्याख्या करते हैं कि सामायिक चारित्र तो 2400 घंटे पूरे जीवन पर्यंत के लिए होता है, तो सामयिक करने की क्या आवश्यकता है, लेकिन यहाँ परिहार विशुद्धि संयत के लिए परिभाषा में ही दिया कि तीनों संध्या काल में विहार नहीं करते। तो इसके माध्यम से वो प्रतिदिन जो है इन तीनों संध्या कालों को छोड़ करके प्रतिदिन दो कोस यानी 6 किलोमीटर विहार करते हैं, रात्रि में विहार नहीं करते, वो परिहार विशुद्धि संयत कहलाते हैं। ये परिहार विशुद्धि संयत है, इसके साथ में कुछ चीज़ें नहीं होती, इस इनको जो है आहारक आहारक मिश्र नहीं होता, जो आहारक शरीर पतला निकलता है वो इनके लिए निषिद्ध है। इसके साथ में नपुंसक वेद और स्त्री वेद जो भाव वेद के रूप में रहते हैं उसका भी निषेध है, और साथ साथ में मनःपर्य ज्ञान का भी निषेध है,
और जो उपशम सम्यक दर्शन होता है इसका भी निषेध है। इनका जो है आपस में ऐसा संबंध है, एक जहाँ पर रहेगा वहाँ पर दूसरा नहीं रहता। तो ये बार बार जब आएंगे तो इसकी दृष्टि अपने लिए मतलब मन में बना लेना, तो उसके माध्यम से अपन जल्दी से आगे उसको समझ सकते हैं। इसके बारे में कहा जाता है कि जो 30 बरस तक घर में रह करके और बाद में दीक्षा लेते हैं और तीर्थंकर के पाद मूल में वर्ष पृथक यानी 3 से लेकर के 9 बरस के अंतर अंदर प्रत्याख्यान पूर्व का अध्ययन करते हैं और उनके लिए ये चारित्र प्रकट होता है, उसको परिहार विशुद्धि संयत कहते हैं। इसमें इनका ग्रुप रहता है, उसमें मुखिया जो रहता है वो ही किसी से बात करता है, बाकी लोग किसी से बात नहीं करते, ऐसा भी वर्णन यहाँ आगम में इसका मिलता है। तो इसका गुणस्थान कहाँ रहेगा, केवल छठा और सातवां, ऊपर के गुणस्थान नहीं आते इसमें, केवल छठा सातवां, श्रेणी के गुणस्थान इसमें नहीं होते। तो 6 और 7 हो गया। फिर सुख सांप्राय संयम, जिस संयम में लोभ कसाय अति सूक्ष्म रह जाती है, अभी अपने देखा था कि जहाँ पर लोभ कसाय आखिरी में 10वें गुणस्थान में थोड़ी सी रह जाती है, तो इसलिए इसका नाम सूक्ष्म सांप्राय, सांप्राय का अर्थ भी कसाय होता है, तो वो सांप्राय सूक्ष्म होने के कारण में इसको सांप्राय संयम कहते हैं। ये 10वें गुणस्थान में ही होता है। अब इसके बाद में यथाख्यात संयम, यथाख्यात चरित्र, तो जो समस्त मोहनी कर्म के उपशम या 6 से जहाँ पर आत्मा की स्वाभाविक अवस्था बिना कषाय के, कषाय की परिणति की वहाँ पर कोई भी गंध नहीं है, ऐसी जो अवस्था आत्मा की होती है उसको यथाख्यात संयम कहते हैं। तो ये कहाँ से होता है, 11वें गुणस्थान से लेकर के 14वें गुणस्थान तक होता है। तो इस प्रकार से ये संयम मार्गणा को अपन ने गुणस्थानों सहित समझा। फिर से एक बार गुणस्थान देखें तो असंयम 1 से 4, संयमा संयम 5वें में, सामयिक और छेदोपस्थापना 6 से 9, परिहार विशुद्धि 6 और 7, और सुख सांप्राय 10, और यथाख्यात 11 से 14 तक। इसके बाद में आती है मार्गणा दर्शन मार्गणा। तो दर्शन मार्गणा में जहाँ जब अपन किसी पदार्थ को जानते हैं उसके पहले उस पदार्थ से अपना संबंध होता है, इंद्रियों के माध्यम से संबंध होता है, तो विषय विषि सन्निपाते सती दर्शनम भवति, और उसके बाद में दर्शन के बाद में फिर ज्ञान होता है ना। कोई भी चीज़ को अपन जब देखते हैं तो उसमें देखने का अर्थ मतलब केवल आँखों से ही नहीं देखना होता, अपन अपनी सारी इंद्रियों के माध्यम से देखते हैं। कैसे देखते हैं, जैसे अपन जैसे जब स्पर्शन इंद्री है, जैसे आप सामायिक कर रहे हो, पीठ पर आकर के, पेट पर आकर के, हाथ पर आकर के मच्छर बैठा, तो उस समय में पहले थोड़ा सामान्य सा प्रतिभास होता है, फिर पता पड़ता है हाँ मच्छर आ गया है। तो ये जो है जानना वो हुआ, उसके पहले एक सामान्य प्रतिभास होता है, ये स्पर्शन इंद्रिय संबंधी हुआ। रसना में भी ऐसा ही होता है, जैसे टीवी आदि देखते देखते मूंगफली खा रहे हैं, खाते खाते कड़वी मूंगफली आ गई, तो उसका भी पहले सामान्य और फिर विशेष प्रतिभास होगा। ऐसे ही गंध में होता है कि जहाँ कई लोगों की बड़ी पावरफुल होती है, बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं, कई लोगों दूसरे बताते हैं कि तुम्हारे घर में ही जो है कुछ गैस पे चढ़ा हुआ है, जल रहा है, तो वो पहले सामान्य होगा फिर विशेष, उसमें भी इस प्रकार से होगा। तो सामान्य यानी जहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा प्रतिभास होता है, फिर उसके बाद में विशेष, सामान्य प्रतिभास को दर्शन कहते हैं और विशेष को। ऐसे ही नेत्रों के माध्यम से होता है और कर्ण के माध्यम से भी होता है, कान के माध्यम से भी अपन सुनते हैं, तो उसमें भी सामान्य से आवाज़ आ रही है, जब अपन जोर देंगे ध्यान देंगे तो फिर उसमें विशेष उसका खुलता है। तो ऐसा जो है जहाँ 5 इंद्री और मन का भी जो है, वैसे मन के भी अपन जिसके माध्यम चिंतन करते हैं उसके भी सामान्य प्रतिभास होता है, तो वो जो है दर्शन कहलाता है। तो इसमें चक्षु दर्शन यानी चक्षु इंद्री से होने वाले ज्ञान के पहले जो पदार्थ का सामान्य प्रतिभास होता है उसे चक्षु दर्शन कहते हैं। अभी चक्षु दर्शन कहाँ से कहाँ तक होता है, पहले गुणस्थान से लेकर के 12वें गुणस्थान तक, जब तक केवल दर्शन नहीं होता तब तक चक्षु दर्शन होता है। इसमें इंद्रियों की अपेक्षा देखें तो ये केवल 4 इंद्रिय जीवों से ही प्रारंभ होगा, 1, 2, 3 को चक्षु नहीं होती तो चक्षु दर्शन उनको नहीं होगा। फिर दूसरा जो है अचक्षु दर्शन अभी बताया था, स्पर्शन इंद्रिय के माध्यम से 1 इंद्रिय जीवों को अचक्षु दर्शन होगा, तो वो स्पर्शन के माध्यम से जानते हैं, जानने के पहले उनका जो सामान्य प्रतिभास होता है वो अचक्षु दर्शन कहलाता है। तो इसमें चक्षु इंद्री के अलावा अन इंद्री और मन से होने वाले ज्ञान के पूर्व पदार्थों का जो सामान्य प्रतिभास होता है उसे अचक्षु दर्शन कहते हैं। फिर इसके बाद में अवधि दर्शन, अवधि ज्ञान के पूर्व में जो दर्शन होता है उसको अवधि दर्शन कहते हैं। तो उसको जो है अवधि
दर्शन जो है उसको सामान्य प्रतिभास, यानी पदार्थों के ज्ञान के पहले जो सामान्य प्रतिभास होता है उसको अवधि दर्शन कहते हैं। तो चक्षु दर्शन एक इंद्रिय से लेकर के पहले गुण स्थान से लेकर के बारहवें गुण स्थान तक, अवधि दर्शन देखेंगे अपन तो इसको 4 से 12, इसको जो है वैसे कहीं कहीं पर पहले गुण स्थान से भी, कहीं दूसरे गुण स्थान से, तीसरे गुण स्थान से भी स्वीकार किया है, लेकिन अपन जहाँ पर महाराज जी ने जिसके आधार पर लिखा वो षटखंडागम के आधार पर लिखा है तो वहाँ पर 4 से स्वीकार किया है, तो अपन 4 से लेकर के 12 इसको लेकर के चलेंगे। अब केवल दर्शन, केवल दर्शन जो होता है, बाकी सारे दर्शन में तो क्या परिभाषा आ रही है कि ज्ञान के पहले होता है, लेकिन केवल दर्शन जो होता है वो केवल ज्ञान के साथ में होता है। क्यों होता है? क्योंकि अपने पास में ऐसी सामर्थ्य नहीं है कि अपन युगपत जान सकें, उनके पास में अनंत शक्ति है, इसलिए वो एक साथ में देखने जानने में समर्थ होते हैं। तो ऐसा जो केवल दर्शन कौन से गुण स्थान में रहेगा? 13वें और 14वें गुण स्थान में रहेगा। तो ये हो गया दर्शन मार्गणा।